नमस्कार, फाइटो समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 अक्टूबर बुधवार दोपहर 3 बजे राजस्थान श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटो न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चित काल तक धरना प्रदर्शन करना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी समूह या शख्स सिर्फ विरोध प्रदर्शनों के नाम सार्वजनिक स्थानों पर बाधा पैदा नहीं कर सकता, चाहे वो शाहीन बाग हो या कोई और जगह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्धारित जगहों पर ही प्रदर्शन किया जाना चाहिए, आने जाने के अधिकार को रोका नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस को शाहीन बाग इलाके से लोगों को हटाने की कार्रवाई करना चाहिए थी। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव के बस स्टैंड पर लगी एटीएम को बीती रात को फिर तोड़ने का प्रयास किया। पड़ोसियों के जागने के कारण आरोपी युवक एटीएम तोड़ने के उपकरण और बाइक छोड़कर भाग गए। सूचना मिलने पर आधी रात को पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि पतरोड़ा गाँव के बस स्टैंड के पास PNB की ATM मशीन लगी हुई है। इस मशीन को तोड़ने का 3 युवकों ने प्रयास किया। CCTV कैमरों में 3 युवकों के फुटेज मिले हैं। श्रीगंगानगर जिले में एक कोरोना संदिग्ध रोगी की मौत हो गई है। PMO डॉक्टर KS कामरा ने बताया कि अनूपगढ़ क्षेत्र के एक रोगी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जांच के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि रोगी का सैंपल लिया गया था, उसकी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही उसका शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। हाथरस मामले के बहाने यूपी में जातीय दंगे फैलाने की साजिश में जांच एजेंसियों के हाथ बड़ा सुराग हाथ लगा है। प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस कांड के बहाने जातीय दंगा फैलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पास मॉरिशस से 50 करोड़ आए थे। सूत्रों के मुताबिक पूरी फंडिंग 100 करोड़ से अधिक रुपये की थी। अब इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। बता दें कि हाथरस कांड के बहाने दंगे फैलाने की साजिश में राजधानी लखनऊ, हाथरस समेत कई थानों में दर्जन भर से ज़्यादा FIR दर्ज है। वही हाथरस को लेकर बनी वेबसाइट जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम की जाँच ED करेगा। श्रीगंगानगर जिले के प्रभारी एवं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला के 2 दिन के प्रवास के उपरांत सरकारी दफ्तरों में माहौल बदलने लगा है और आज अनेक सरकारी दफ्तरों के बाहर नो मास्क नो एंट्री के बोर्ड लगने लगे हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों CM ने भी आदेश दिया था कि मास्क को ही वैक्सीन समझा जाए और इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। कोरोना की रोकथाम के लिए मास्क लगाना एक कारगर उपाय है। बीकानेर जिले के जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाली एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव घर के एक कमरे में बेड पर मिला है। पुलिस ने बताया कि कॉलोनी में श्रीदान नामक व्यक्ति के एक किराए के मकान ले रखा है। इसी मकान में उसकी पत्नी कल्पना की मौत हो गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सुशांत सिंह की मौत से जुड़े मामले में बम्बई उच्च न्यायालय ने आज रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने रिया को 1 लाख के मुचकले पर जमानत दी। कोर्ट ने रिया के अलावा सैमुअल मिरांडा और दीपेश को भी जमानत मिली है। वहीं शौविक और बासित की अर्जी खारिज कर दी गई है। रिया को बाहर जाने के लिए अनुमति लेनी होगी। आपको बता दें कि इससे पहले 29 सितंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। श्रीगंगानगर में दशहरा उत्सव को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आगामी 17 अक्टूबर से नवरात्रि उत्सव तथा इसके उपरांत 25 अक्टूबर को विजयदशमी पर्व मनाया जाएगा। इस दिन ही अधर्म और अहंकार के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया जाता है। दशहरा आयोजन समिति से जुड़े सीताराम शेरेवाला ने बताया कि समिति की ओर से प्रशासन के समक्ष आवेदन किया गया है, जिसकी अनुमति अभी तक नहीं मिल पाई है। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के कारण इस समय सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों में भी संख्या को अभी सीमित ही रखा गया है। हनुमानगढ़ जिले के टाउन थाना क्षेत्र में पंजाब से परिवारजनों के साथ नरमा चुगाई करने के लिए आई एक किशोरी ने खेत में ही जहर खा लिया, इससे उसकी मौत हो गई। टाउन पुलिस ने बताया कि मुंडा गांव के पास खेत में 15 वर्षीय किशोरी परमजीत कौर ने जहर खा लिया था, इससे उसकी हालत बिगड़ गई। उसको टाउन के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, वहाँ पहुँचते ही उसकी मौत हो गई। मृतका मानसिक रूप से परेशान रहती थी। अलवर जिले के भिवाड़ी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जानकारी के अनुसार गत माह फिल्मी अंदाज में लाखों की लूट हुई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए उद्योगपति से 29 लाख की लूट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक शीघ्र ही मामले का खुलासा करेंगे।
श्रीगंगानगर जिले के कैरोसिन डालकर खुद की आग लगाने वाले व्यक्ति की इलाज के दौरान पीबीएम में मौत हो गई। उसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि गत दिनों 22H गांव निवासी परविंदर सिंह ने खुद पर कैरोसिन डालकर आग लगा ली थी। इससे वह बुरी तरह झुलस गया। उसको सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया व हालत बिगड़ने पर पीबीएम रेफर कर दिया। वहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। जयपुर जिले के अमेर कस्बे के सीएचसी में 5 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जानकारी के अनुसार सीएचसी प्रभारी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर के शर्मा, नेत्र रोग डॉक्टर लोकेंद्र ढाबी, डेंटिस्ट डॉक्टर गीता वर्मा, कान नाक डॉक्टर अल्पना और डॉक्टर आशीष शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। द गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के चुनाव आगामी 18 अक्टूबर को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। मंगलवार को हुई आम सभा के बाद चुनाव अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए और फार्म वितरण का कार्य भी आरंभ कर दिया गया है। रोहित गर्ग और धर्मवीर डुडेजा के रूप में अध्यक्ष पद के लिए 2 चेहरे सामने आए हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।